राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानीताय गौरानीताय गौरानीताय, जय गौरानीताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर कीर्तन है। आप भी इसको, जब भी आप भगवद गीता या भागवत आप अध्ययन करने बैठेंगे तो 2 मिनट आप ये कीर्तन कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय कीर्तन है। यस, तो सतीश चंद्र जोशी प्रभु ने बोला है कि उन्होंने साथ में माला जपने से पहले ऑलरेडी उनका एक माला हो चुका है। वेरी नाइस प्रभु जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा माला करना चाहिए। यस, तो भगवद गीता स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रार्थना करते हैं। तो भागवतम के लिए 2 और प्रार्थना है जो हमें करना है। तो प्रेयर्स में 2 और प्रेयर्स जो है एक्स्ट्रा है। तो हम सबसे पहले प्रेयर्स करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज जो हम कथा देखने वाले हैं वो कथा है राजा अम्बरीश की। तो लास्ट वीक हम लोगों ने यज्ञ का एक श्लोक देखा था और उसके बाद हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, राजा नृग की कहानी। कोई 2 मिनट में बताना चाहता है कि वो कहानी क्या है ताकि बाकी सबका भी रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यस, 2-3 मिनट में कोई सुना सकता है राजा नृग की कहानी? हरे कृष्णा सुनीला माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। राजा नृग थे तो एक बार राजा नृग ने गायों का दान करना था
अपना तन मन धन से सब कुछ हीरे जवाहर वगैरह दान दे रहे थे। तो एक बार एक भटक के गाय उनके पास आ गई, तो भटक के गाय आ गई तो उन्होंने ब्राह्मण को दान दे रहे थे, तो दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि ये गाय मेरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गाय मेरी तुम्हारी नहीं है। तो उन्होंने कहा इस गाय के बदले मुझसे 1,00,000 गाय ले लो, लेकिन वो नहीं माने। दोनों के दोनों कहने लगे नहीं, हमने हमें जितना दिया हमें उतना ही चाहिए। दोनों गाय लेने से मना कर दिया। तो इसलिए फिर यमराज जी आए, उन्होंने कहा तुम अपने पापों का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पापों का दंड, उन्होंने कहा मैं पापों का दंड पहले लेना चाहता हूँ। उन्होंने पापों का दंड दिया तो भगवान कृष्ण के जो यादव वंश के थे, भगवान उन्हें प्रेरणा देना चाहते थे, उनको भेजा, उनसे वो छिपकली बन गई थी। तो उन्होंने उनसे गाय उठी नहीं, टस से मस नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण आए, उन्होंने एक पल में अपने बाएं हाथ से गाय वो छिपकली को उठा लिया। तो उन्होंने कहा आप तो कौन है, आप तो दिव्य आत्मा लगते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं राजा मैं हूँ, तो मैंने ना दान पुण्य किया था, उससे एक गाय भटक के इधर आ गई थी, वो संकल्प पूरा ना होने से मुझे ये पाप लग गया। तो भगवान ने उनके कष्ट काट दिए, उनको कम कर, ऐसा कुछ है यस मेरे यस ख्याल यस से, जी 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 थोड़ा सा भूल गई पीछे। जी यस वेरी नाइस। तो यहाँ पे माता जी ने बहुत अच्छे से सुनाया। तो ब्राह्मण जो है वो श्राप नहीं देते हैं राजा नृगु को, बस उनको प्रसन्नता नहीं होती है कि हमें अच्छे से दान नहीं दिया गया है। तो हमने लास्ट क्लास में हम लोग ने यही देखा था कि अगर हम लोग दान भी करते हैं, कोई भी पुण्य हम लोग करते हैं, अगर सामने वाला अगर प्रसन्न नहीं है तो वो पुण्य जो है उसका क्रेडिट या उसका श्रेय जो है हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो जब भी हम लोग राजा नृग की कथा सुनते हैं उसके साथ जोड़कर एक और कथा भी हम लोगों को सुननी चाहिए। कौन सी है वो कथा? वो है राजा अम्बरीश की कथा। ओके, तो लास्ट वीक हम लोगों ने राजा नृग की कथा सुनी थी, आज हम लोग राजा अम्बरीश की जो कथा है वो साथ में श्रवण भी करेंगे, सुनेंगे और डिस्कस भी करेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये कहानी क्यों मैंने इस कहानी के साथ जोड़ा है ये भी हम लोगों को पता चलेगा थोड़ी ही देर में। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कृष्णा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, तो हम इसे अभी पढ़ेंगे। जो जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा कविता माता जी। हरे कृष्णा मैम। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज की अपमान। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि आप म्यूट हो गई। हरे कृष्णा कविता माता जी। हरे कृष्णा मैम। जी दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सचरित्र थे, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ्य श्राप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। यस जी माता जी कंटिन्यू कीजिए। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव तथा भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान के गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर के झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे।
वह अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते थे। वह अपनी स्पर्श इंद्रिया को भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी को सुगंधित और सूंघने में, और अपनी जीभ का भगवान का प्रसाद चखने में लगाते थे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों पर भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने तथा अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अमरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कुछ भी नहीं चाहा। वह अपनी सारी इंद्रिय को भगवान से संबंधित भक्तों के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्ण मुक्त होने की यह विधि है। जी, धन्यवाद माता जी। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसको समझ लेते हैं। यस, तो शीर्षक क्या है? दुर्वास मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो अगर आपको पता नहीं है तो दुर्वास मुनि जो है अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। तो दुर्वास मुनि जो है महाराज अम्बरीश का वो अपमान करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि राजा परीक्षित ने पूछा। तो जो भागवतम है, भागवतम एक वार्ता है, एक संवाद है, किसके बीच में? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। पूरा का पूरा जो भागवतम है, जो 18,000 श्लोक है भागवतम के, वो कॉन्वर्जेशन है, वार्ता है किन दोनों के बीच में? राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी। राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित अर्जुन के पोते है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो वेदव्यास जी के पुत्र है। तो राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच ये पूरा संवाद है, जिसको हम श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण कहते हैं। तो राजा परीक्षित जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि अम्बरीश महाराज के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है, अम्बरीश महाराज कौन है, और ऐसा कैसे हुआ कि उन पर एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया और क्रोधित हो गए, लेकिन उसका कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ा। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने राजा नृक की कहानी देखी थी। ब्राह्मण क्रोधित नहीं हुए थे या ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया था, पर तभी भी बस ब्राह्मण का अपमान करने पर या ब्राह्मण जो है प्रसन्न नहीं थे, सिर्फ क्योंकि वो प्रसन्न नहीं थे वो अपने नेक्स्ट लाइफ में, अपने अगले जन्म में वो राजा जो है छिपकली बन जाता है। पर यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ब्राह्मण एक क्रोधित भी हुए उस राजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो ये कैसे संभव है? तो ये प्रश्न पूछते हैं राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से। आगे जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उनकी महिमा के बारे में है, अभी ये पेज और नेक्स्ट पेज उसमें क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो भगवान वासुदेव के परम भक्त है। राजा महाराजा अम्बरीश जो है वो भगवान वासुदेव के परम भक्त है। और नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो सदैव अपने मन को अपने पांचों इंद्रियों को सब कुछ वो कृष्ण की भक्ति में वो लगाते थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि 24 घंटे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 घंटे वो भगवान की सेवा करने में वो लगाते थे। तो अभी सबसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 24 घंटे हम लोग भगवान की सेवा करें या 24 घंटे हम लोग भगवान को याद करें? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यहाँ पे लिखा है कि वो सूंघते थे तो तुलसी को या भगवान पे चढ़ाए हुए फूलों को वो सूंघते थे, अपना सर झुकाते थे तो कृष्ण के आगे झुकाते थे, वो पाव की सेवा कैसे करते थे, मंदिर चल के जाते थे। तो क्या हमारे लिए संभव है कि हम लोग अपने 24 घंटे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ओके, हरे कृष्णा। सुनीला माता जी। हाँ जी, मानसिक रूप से ये पॉसिबल है। हम मन से काम तो हम गृहस्थी का करें, लेकिन मानसिक रूप से हम ईश्वर को समर्पित रहे। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, बहुत अच्छे से माता जी ने समझाया है। ओके, हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्णा जी। हाँ, ये संभव है, कभी ये सभी काम मानसिक रूप से कर सकते हैं। पूरे समय जो भी काम करें हमें ध्यान खाली श्री कृष्ण चरणों का रखना है, तो हम ये संभव कर सकते हैं ये सब काम। यस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो माता जी भी यही बोल रही है कि अपने सारे काम को कृष्ण को समर्पित करना है। कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने लिखा है, इसको भी मैं पढ़ती हूँ। अलका बंसल माता जी ने बोला है कि एवरी वर्क मस्ट बी डेडिकेटेड टू कृष्णा। अंकित प्रभु जी ने लिखा है कि भगवदगीता में कृष्ण ने कहा है अभ्यास से न तो कौंतेय, यानी कि अभ्यास से या प्रैक्टिस से वो भी पॉसिबल है।
यस, कविता माता जी ने बोला है कि कृष्ण का नाम लेकर हम लोग कर सकते हैं और याद करना है दोनों अच्छे और बुरे वक्त में। ओके, और दो लोगों को सुन लेते हैं। हरे कृष्णा, जय माला माता जी। जी हरे कृष्णा। जी सभी जैसे कहा है वैसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमारा हर एक कर्म और हर एक श्वास में हम कृष्ण को अर्पण कर देंगे तो वो ही हो जाएगा। हर एक चीज में हम कृष्ण को याद करके करेंगे। जी जी वेरी नाइस। यस, सतीश चंद्र प्रभु जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये है कि जो भी कार्य हम करें, कोई भी कार्य हो, सुबह से लेके 24 घंटे, जब भी जब तक हम जगे रहें, हो सकता है कि सोए हुए में भी हमको फिर वो होने लगेगा कि कोई भी कार्य करने से पहले हम उनका ही नाम लें और हर किसी को उन्हीं के नाम से पुकारे, हरे कृष्णा बोले, सबको वही बोले, तो संभव है, जी लगता है संभव है। जी धन्यवाद प्रभु जी। यस, तो सबके आंसर्स बहुत अच्छे हैं कि यस ये पॉसिबल है। तो मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब पहले मैं नई नई मैं इस्कॉन संस्था से मेरा परिचय हुआ था, तो इस्कॉन संस्था में ज्यादातर वो लोग प्रसाद वितरण के बारे में बोलते हैं कि प्रसादम आपको सबको देना है, प्रसादम खिलाना है, फिर पुस्तक वितरण का भी बोलता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर हमारा जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, नाम जपना है। तो ये चीज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं माला जपती थी तब तो खाने से पहले पता नहीं भगवान अपने आप याद आते थे, फिर अगर नहीं जपती थी तो मुंह में निवारा डालने के बाद याद आते कि ओ मैंने प्रार्थना नहीं किया है। और कोई भी काम करने से पहले जिस दिन मैं माला जपती थी वो स्मरण हो जाता था कि ठीक है एक बार भगवान का नाम लेना है कोई कार्य शुरू करने से पहले, जिस दिन माला नहीं जपती थी वो याद नहीं होता था। तो जैसे भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में, ददामि बुद्धि योगमतम, अगर आप भक्ति योग के मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो स्मरण करने की जो शक्ति है वो मैं आपको दूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो स्मरण शक्ति जो है, वो बुद्धि जो है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो यस, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कहते हैं कि अम्बरीश महाराज जो है वो निरंतर, यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी करते समय वो भगवान को ही वो स्मरण करते थे, सारा जो है भगवान को ही वो समर्पित करते थे। तो एक और क्वेश्चन है सबके लिए कि कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि हम भगवान में मानते तो है पर हम भगवान का नाम बस 3 बार लेंगे, हम जय श्री राम 3 बार बोलेंगे या हरे रामा हरे कृष्णा इतना बोलेंगे और अपना सारा काम करेंगे। तो पर हम तो एक माला जपते हैं जिसमें 108 मोतिया है ना, 108 बार हम लोग मंत्र को बोलते हैं, तो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? यानी कि भगवान अगर कोई 3 बार भी अगर भगवान का नाम ले और कार्य करे, कर्म करे, तो क्या भगवान उसको स्वीकार करते हैं या हमें ऐसे ही एक पूरा माला जपना है या जितना भी मंदिर में बता दे, मंदिर में बोलते कि 16 माला जपना है, 16 माला 16 राउंड्स, हम लोग कितना करें, एक माला into 108, वो लोग 16 टाइम्स 16 टाइम्स करना है। तो 3 बार, बस 3 बार भगवान का नाम बोलने में और पूरा माला जपने में क्या अंतर है? क्या जरूरी है कि हम लोग एक माला ही जपे, हम लोग बस 3 बार क्यों नहीं बोल सकते, इस चीज को फॉलो क्यों करना है? यस निर्मला माता जी। हम मन से अगर ये सब 3 बार ही बोलेंगे लेकिन ध्यान हमेशा पूरे रहेगा कृष्ण के चरणों में, तो वो 16 माला एक जगह बैठ के आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका स्मरण हमेशा उनके श्री कृष्ण चरणों में है, भगवान के चरणों में है, तो हम मुंह से कितनी भी बार बोलें या नहीं बोलें या एक जगह बैठ के अलग बैठ के काम नहीं, अपने सारे काम निपटाते रहें और साथ में ध्यान उनका भगवान के चरणों का रहे, तो 3 बार बोलना भी काफी होगा, बजाय कि मतलब माला करें, माला करें तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि हमेशा फिर ये प्रैक्टिस में आता रहेगा कि हम स्मरण करते रहेंगे, माँ नाम पूरे समय ध्यान में रहेगा नाम, लेकिन केवल उसी तरह से बोला और ध्यान रहा मन में तो ये भी दोनों ही उत्तम है। जी, तो माता जी बोल रही कि दोनों उत्तम है, यानी कि अगर कोई बस 3 बार बोलेगा और पूरी श्रद्धा से बोलेगा तो वो भी काफी है, आप ऐसे बोल रहे हो? जी ओके ओके वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, आप अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, कमेंट्स में कुछ है मैं पढ़ लेती ऐसा ही मैं अपना हूँ। हाँ 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 जी हेलो। जी प्रभु जी। मैंने ऐसा ही एक बुक में पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने एक बार, नारद ने श्री कृष्ण को पूछा था कि सबसे मेरा भक्त कौन है, तो
तो श्री कृष्ण नारद को लगा कि मैं हूंगा, क्योंकि उसका नाम मैं हमेशा जपता हूँ, नारायण 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 उनका चलता रहता था। तो बोला नहीं करके, मेरा एक पृथ्वी पे एक फार्मर है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है करके। तो रखा जाके मिलके आ जाओ उसको। तो उसके नारद उसको मिलने के, वो क्या करता, जब कोई काम करता था भगवान का नाम लेता था और काम करता था करके। तो बोला गया ऐसा ऐसा कैसा करके, वो तो पूरा काम करता है, ये नहीं फिर तुम्हारा नाम दिन में एक दो बार लेता है और पूरा अपना काम में लगता है, तो वो कैसे तुम्हारा भक्त होगा करके। तो नारद श्री कृष्ण जी उसको बोलते है, एक कटोरे में उसको ऑयल देता है और बोलता है ये ऑयल शंकर जी को दे के आओ, पर ध्यान रहना ये ऑयल गिरना नहीं चाहिए। तो लोग कटोरा लेके शंकर जी को, क्या इतना आसान सा काम है, तो जाके शंकर जी को दे के आता है। तो जाके आने के बाद श्री कृष्ण उसको पूछता है, बीच में तुमने मेरा नाम का जप किया? बोला कैसे करता करके, मेरा पूरा ध्यान वो कटोरे के ऊपर था, मैं आपका नाम जप नहीं पाया कर। तब श्री कृष्ण बोला करके, वो जो है आदमी जो अपना पूरा काम करते भी मेरे को याद करता है, तो ऐसा है कि हम जो भगवान का जाप करना है वो अपना जो पूरा अपना जो ड्यूटी है ड्यूटी करके जाप करना है करके, ऐसा उसमें से उनको संदेश दिया है करके। तो हम जाप अपने मन से अपने भाव से किया, तो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया और 16 बार किया, उसका कुछ ये नहीं है। ओके ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके ओके, तो आखिर मैं अलका माता जी को भी सुन लेते। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जी। मेरा ये कहना है कि हम जाप करते हैं तो हम एक कनेक्टिविटी गॉड के साथ बनाते हैं अपनी। हर वक्त तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब हम बीट्स लेके चैंटिंग करते हैं तो हम अपने सिग्नल्स गॉड को भेजते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए। यस वेरी नाइस। तो एग्जैक्टली जो दीपक प्रभु जी ने बोला, तो मैंने ये सवाल इसीलिए ही पूछा था क्योंकि ये कहानी जो है बहुत ज्यादा फेमस है कि नारद मुनि जो है ज्यादा वो श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि नाम लेते हुए भी उनमें ये भक्ति का भाव नहीं है। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो ये कहानी का कोई पुराण से या शास्त्रों से कोई रेफरेंस नहीं है, ये उनमें से कुछ कहानियां हैं जो हम लोग सुनते आते हैं, इसका वैसे कोई बेस नहीं है क्योंकि नारद मुनि जो है वो हमेशा भक्ति भाव में ही रहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई सदैव नाम जपते हुए उससे इस प्रकार का कोई अपराध जो है हो सकता है। तो ये कहानी जो है एक मॉरल सिखाने के लिए है कि आप भगवान का नाम लेते हो तो आपको कौन सा भाव रखना चाहिए, अगर आप भगवान का नाम ले ही रहे हो तो कौन सा भाव आपको रखना चाहिए। तो इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है या बस 3 बार लो तो काफी है। तो इसमें पता नहीं उन्होंने नारद जी का कैरेक्टर क्यों उन्होंने डाला, ये कहानी मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। असल में एक्चुअली पुराणों में या शास्त्रों में इसका रेफरेंस जो है वो नहीं है, इसको बस एक मॉरल ऑफ द स्टोरी दिखाने के लिए है कि आप अपने कर्म को मत त्यागो। यस, तो ये हमें याद रखना है। तो कमेंट्स में है उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो पद्मा माता जी ने बोला है कि प्रेम से जो लेता है तो एक बार भी काफी है। यस, अंकित प्रभु जी ने बोला है कि हमें 16 माला जो है फॉलो करनी चाहिए क्योंकि आचार्यों के द्वारा ये बताया गया है और ये प्रामाणिक प्रोसेस है, यानी कि ये ऑथेंटिक है। और प्रभुपाद जी ने बोला है दैट इफ यू विल चैंट 16 राउंड्स देन यू कैन सी कृष्णा। यस जी, तो ऐसा है कि अगर आप भगवद गीता को देखेंगे कि ऐसा है कि भगवान अगर 3 बार भी नाम लेते तो भगवान स्वीकार नहीं करते, नहीं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे सब ने बोला कि एक बार भी नाम लो तो भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, एक बार भी लेंगे 100 बार भी लेंगे तो भगवान तो उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भगवद गीता में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला है। कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता, यानी कि आप मेरा कीर्तन करो एकदम दृढ़ता के साथ, आप मेरा कीर्तन करो पर कैसे करो, सततम, सततम यानी कि निरंतर भाव से। और आगे एक और अध्याय में कृष्ण क्या बोलते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसह, यानी कि अनन्य भाव से आपको भक्ति करनी चाहिए, वो भी कैसी करनी चाहिए, सततम, सततम यानी कि निरंतर। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम्हें भक्ति करनी चाहिए वो एक या दो बार नहीं, निरंतर, निरंतर यानी कि कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी यानी कि रिपीटेड फैशन में, यानी कि दोहरा के तुम्हें करना चाहिए, है ना। भगवान ने यहाँ पे, अगर ऐसा होता कि एक दो बार ही काफी होता या 3 या 4 बार, अगर हम उसकी गिनती कर सकते थे तो भगवान गीता में उसकी गिनती फिर बताते कि एक बार लेना ही काफी है, 2 बार लेना ही काफी है। उन्होंने क्या बोला है, सततम यानी कि निरंतर होना चाहिए।
तो यस, इसीलिए हमें जो है शास्त्र के आधार पे हमें इसको समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पहले जब प्रभुपाद जी को अपने गुरु से दीक्षा मिला था तो प्रभुपाद जी कितना राउंड चैंट करते थे, 64 यानी कि 8 घंटे। बाद में कलयुग के लोग है, जॉब है, इतना कुछ है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है आप कम से कम जो है आप 16 माला आप जप करो, यानी कि आपके दिन के जो 2 घंटे है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आप बैठ के आप जप करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे भी मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए वो सबसे पर्याप्त होता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो उन्होंने हमको बोला है कि आप बस इतना जो है आप जप कीजिए। वरना कृष्ण ने क्या बोला है भगवद्गीता में, सततम यानी कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए। और कुछ भी चीज अगर कंटिन्यूटी में होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ है कि इसको बार बार करना चाहिए, है ना, बार बार करना चाहिए। तो हम इतने शुद्ध नहीं है कि एक या दो बार बुलाने से ही हम शुद्ध हो जाएंगे। हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है, हमारे कर्म इतने शुद्ध नहीं है, है ना, हम जो आहार खाते हैं कुछ भी हम करते हैं तो इतना शुद्ध नहीं है। तो हमें ज्यादा बार लेना है, हमें नाम जो है ज्यादा बार लेना है, एक दो बार लेने से नहीं होगा। एक दो बार भले हम प्रेम से बुलाते हैं पर बाद में हम लोग क्या कार्य करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यस, भगवान तो स्वीकार करते ही है, कोई एक बार ले, 100 बार ले, भगवान स्वीकार करते हैं। पर ये जो शास्त्र से जो प्रमाण है इसको इसको मद में रखते हुए हमें अपना माला जपना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वैसे भी भगवान जो है वो प्रसन्न होते ही है, भक्तवत्सल है भगवान, प्रसन्न होते ही है, तो एक दो बार लेने से भी चल जाएगा। नहीं, गुरु का क्या आदेश है उसको हमें फॉलो करना है। और कृष्ण ने खुद भगवद्गीता में बोला है कि सततम, और कृष्ण क्या बोलते हैं 10वें अध्याय जो चतुर्श्लोक की गीता है उसमें कृष्ण बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये जो सततम जो शब्द है कई कई बार भगवद्गीता में भगवान ने इसका उपयोग किया है, यानी कि आपको भक्ति जो है निरंतर करनी है, यानी कि भक्ति करने में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज जो है इसके यानी कि इसका उदाहरण जो है स्थापित करते हैं। ओके, तो यस, बहुत अच्छा डिस्कशन था, तो थैंक यू सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों को पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्य कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं, वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान योग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद तीन रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की। यस, धन्यवाद प्रभु जी। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने पढ़ा तो महाराज अम्बरीश जो है वो क्षत्रिय है, तो वो ब्राह्मण की सलाह लेते हुए वो अपने राज्य पर वो शासन करते थे। तो ब्राह्मण जो है वे उपदेश देते थे राजा को कि किस प्रकार आपको शासन चलाना है राज्य के ऊपर। तो अभी कलयुग में कहा जाता है कि राजा जो है अपने ही बीच उनमें जंग छिड़ गई क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपने पद से गिर गए, यानी कि ब्राह्मण जो है वे सारे विधि विधानों का पालन नहीं करने लग गए। तो इसके कारण राजा को सलाह देने के लिए, राजा को उपदेश देने के लिए कोई भी नहीं था। इसीलिए फिर राजा जो है अपने ही बीच वो लोग लड़ने लग गए और इस प्रकार से मुगल सल्तनत, फिर जो अंग्रेज है वो सब हमारे देश में आए। जब ये वर्णाश्रम जो था वो सबसे अच्छा सिस्टम था जहाँ पे ब्राह्मण जो है वो सलाह देते थे कि राज्य को कैसे चलाना है। तो इस प्रकार जो है सबका अपना अपना ड्यूटी था, पर ब्राह्मण जो है वे ही अपने पद से गिर गए, उन्हीं में अहंकार जो भावना है वो आ गई। इसीलिए भागवत पुराण में कहा गया है कि कलौ शूद्र संभवात, कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में कौन है, सभी शूद्र ही है। ओके, और आगे बोलते हैं कि ये राजा अम्बरीश ने अपने पत्नी के साथ एकादशी का व्रत रखा और एकादशी का व्रत उन्होंने यानी कि एक पूरा वर्ष उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। तो ये शायद सतयुग की कहानी है, तो 1 वर्ष उन्होंने व्रत रखा, यानी कि एक एकादशी पर स्टार्ट करके नेक्स्ट एकादशी तक, नेक्स्ट ईयर उसी एकादशी तक उन्होंने व्रत रखा।
तो एकादशी जो है बहुत ही ज्यादा शुभ दिवस है, इसको माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव यानी कि कृष्ण का एक और नाम है, तो एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहा जाता है। इसको हरिवासरा भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन हरि का वास होता है। एकादशी को भक्ति जननी भी कहा जाता है, यानी कि एकादशी का व्रत रखने से क्या मिलता है, भक्ति मिलती है। तो भक्ति जननी यानी कि भक्ति की जो माता है वो कौन है, एकादशी है। तो उस दिन अगर हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमें एंड में परिणाम में हमें क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, हरि भक्ति कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा। तो एकादशी जो व्रत है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। ये क्यों रखते हैं हम लोग डिटेल में कभी एकादशी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग समझ लेते कि राजा अम्बरीश ने ये वाला व्रत रखा, और एकादशी का जो व्रत है ये हम लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए हम लोग रखते हैं। एकादशी व्रत हम लोग कोई मन्नत मांगते हुए हम लोग नहीं रखते। तो ये जो है संकल्प होता है एकादशी व्रत का। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, राम कृष्ण प्रभु जी। महाभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त परम भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गावें दी, जिनके सिंह सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सारी गावें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील जी प्रभु कंटिन्यू कीजिए। तरुण तथा सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गावों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया, और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय एक महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर प्रकट हुए। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद। yes. तो जितना पढ़ा है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने पढ़ा है तो एकादशी का व्रत उन्होंने रखा था, एक साल का व्रत उन्होंने रखा था। तो उसको तोड़ने से पहले कई सारे विधि विधान है उसका पालन करना होता है। तो उस युग में एकादशी व्रत जब रखते थे तो एकादशी के दिन जागरण भी करते थे, यानी कि एकादशी के दिन रात को सोना भी नहीं होता था, और व्रत तोड़ने से पहले जाके दान भी देना होता है। और दान मतलब ऐसे नहीं कि जो चीज आपके घर में आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, जो चीज पड़ी है, कपड़े फटे हैं, वैसे चीजों का आप दान करो, नहीं, उसको दान नहीं बोलते। हम लोग दान क्यों देते हैं, ताकि हम लोग शुद्ध हो जाए, इसीलिए हम लोग दान देते हैं। तो अच्छी वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो यहाँ पे राजा अम्बरीश जो है वो अच्छे गाँव जो है उनका दान देते हैं, और वस्त्र आभूषण इस चीज का वो दान देते हैं। तो कलयुग में ये संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में एकादशी व्रत में हम लोग केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं। व्रत रखने के साथ साथ हम लोग बस ये तीन चीजें हम लोग करते हैं, क्योंकि संभव नहीं है, है ना। हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, हमारे पास जो समय है वो भी कम है, जो रिसोर्सेस है वो भी हमारे पास लिमिटेड है, है ना। इसलिए कलयुग में हम लोग गोस्वामी विधि विधानों का पालन करते हैं। तो कलयुग में व्रत तोड़ने से पहले हम लोग ऐसा जो है दान इस प्रकार के विधि विधानों का हम लोग पालन नहीं करते। तो जब ये सब कुछ विधि विधान का पालन वो कर रहे थे, उसके बाद व्रत तोड़ने ही वाले थे, तो वहां पे कौन आ गए, वहां पे दुर्वास मुनि जो है वो आ गए। और यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने पढ़ा वो कौन है, अनामंत्रित अतिथि, क्या बोलते हैं उनको, जैसे कि बिन बुलाए मेहमान, है ना, बिन बुलाए मेहमान के रूप में कौन आ गए, दुर्वास मुनि वहां पे आ गए। यस, और अगर हमारे घर पे कोई बिन बुलाए मेहमान आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, या दरवाजा में नहीं खोलेंगे, या जाके अपने आप को रूम में बंद कर लेंगे, या अगर खाना बना है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं अपना खाना छुपा लेते हैं, बोलते हैं नहीं खाना नहीं है, ऐसे होता है, यस, लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं कि नहीं, अम्बरीश महाराज उनका स्वागत करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमारे साथ भोजन लीजिए। यस, तो हम लोग देख सकते हैं अम्बरीश महाराज वो भक्त है और उनका चरित्र जो है इसमें हमें दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं। तो सबको अभी तक स्टोरी समझ में आ रही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं,
यस ओके, तो आगे कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था, फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। यस, धन्यवाद माता जी। तो जैसे कि माता जी ने पढ़ा, अब क्या हो गया कि राजा अम्बरीश ने दुर्वास मुनि से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ आप भोजन ले। तो दुर्वास मुनि ने बोला कि अभी पहले मुझे जाके स्नान करना है। पहले जाते हैं वो स्नान करने के लिए। तब तक क्या होता है कि व्रत को तोड़ने का जो समय है वो यानी कि बहुत कम हो जाता है ना। तो मैंने आपको बोला था 18 डेज कोर्स में, अगर आपको याद है, कि एक मुहूर्त में कितना मिनट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, 1 hour is equal to 60 minutes, वैसे ही वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। पर अगर पंचांग के अनुसार हम लोग देखेंगे तो एक मुहूर्त में 48 मिनट है, यानी कि 48 मिनट है एक मुहूर्त में। और यहाँ पे कितना समय बचा था व्रत तोड़ने के लिए, यहाँ पे लिखा है बस आधा मुहूर्त जो है बचा था। आधा मुहूर्त मतलब 24 मिनट ही बचे अभी व्रत तोड़ने के लिए, और दुर्वास मुनि अभी तक वापस आए नहीं है अपने स्नान से। तो राजा अम्बरीश जो है इस प्रकार की दुविधा में पड़ जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सरोज प्रजापति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? सरोज प्रभु जी, सरोज माता जी या सुरेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट का ऑप्शन आएगा आपको। यस, हरे कृष्णा। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचे कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मत अनुसार जल का पीना, भोजन करना स्वीकार्य किया जा सकता है और नहीं भी। हे पुरुष श्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। यस, तो जैसे कि प्रभु जी ने पढ़ा, तो क्या होता है कि राजा जो है वो दुविधा में आ जाते हैं कि अभी क्या किया जाए, उनका वेट किया जाए या हम व्रत को तोड़ दे। तो इसीलिए जो ब्राह्मण है वहां पे, जिनको अभी अभी उन्होंने दान सब कुछ दिया था, तो उन्हीं से वो पूछते हैं, उन्हीं से सलाह लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं जल पीकर व्रत को तोड़ू, क्योंकि व्रत को तो तोड़ना ही है। कहा जाता है कि एकादशी पे एक पारण का समय होता है और वो पारण के समय पर अगर आप व्रत तोड़ते हैं तो ही आपकी एकादशी जो है वो सफल होती है, तो ही आपका जो व्रत है वो सफल होता है। अगर द्वादशी के दिन अगर आप वो व्रत को नहीं तोड़ते हैं तो आपका आपकी जो एकादशी है, जो व्रत है, वो काउंट नहीं होता है। तो पंचांग के अनुसार अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में एक समय होता है जिसके बाद हमको व्रत तोड़ना है। तो वो समय जो है निकट आते जा रहा है और दुर्वास मुनि वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए राजा अम्बरीश जो है ब्राह्मणों से पूछते हैं कि क्या मैं बस जल पीकर मैं अपना व्रत को तोड़ सकता हूँ, और मैं हम लोग फिर प्रतीक्षा करेंगे राजा अम्बरीश की। तो फिर से हम लोग, अगर हम होते, अगर हमारा व्रत हमें तोड़ना होता और उसी टाइम पे कोई बिन बुलाए मेहमान जो है आ जाते और हमारे घर के बाथरूम में चले जाते और ढेरों घंटे लगाते नहाने के लिए, तो क्या हम उनका वेट करते कि नहीं हम पानी पी के आपके लिए बैठेंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते। हम क्या करते, एक प्लेट लेते, प्लेट में उनके लिए खाना परोसते और साइड में रख देते कि जब आपका नहाना हो जाए तो आके आप भी खा लेना, हमने तो व्रत रखा है, हम तो बहुत भूखे हैं, हम तो अभी खाएंगे, है ना। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजा अम्बरीश जो है
उनके उनके भावनाओं को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो कितने निर्मल विचार वाले हैं, कि जल पीकर भी उन्होंने दुर्वास मुनि का प्रतीक्षा किया कि वो आएंगे। हरे कृष्णा सुगंधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के, मेरे को लगता है माता जी कुछ मिस है शायद एक ना। हाँ, यहाँ पे दुर्वास मुनि ने योग बल से जान लिया। यस, यू कैन कंटिन्यू। दुर्वासा मुनि ने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, ओह जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। धन्यवाद। तो अभी दुर्वास मुनि जब वापस आते हैं तो उनको अपने योग बल, एक योगी समझ सकता है तो अपने योग बल से ही उनको, यानी कि उनको समझ में आता है कि राजा ने जल पीकर अपना व्रत जो है वो तोड़ दिया है। तो वापस आके वो क्या करते हैं, वो राजा का अपमान करते हैं। किस प्रकार अपमान करते हैं, उनको निर्दयी बोलते हैं, है ना। तो निर्दयी बोलते हैं और बोलते हैं कि इसका आचरण तो देखो, यानी कि इसका बिहेवियर तो देखो, क्या किया इसने, ये ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये भगवान विष्णु का भक्त है, लेकिन ये भक्त नहीं है, ये बहुत ही अहंकारी राजा है और ये अपने आप को ही ईश्वर समझ रहा है, ये वैसा राजा है। इस प्रकार दुर्वास मुनि जो है राजा अम्बरीश का अपमान करते हैं। हरे कृष्णा जान्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू माता जी? जी 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 पढ़िए। महाराज अम्बरीश तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्य उत्पत्र कर दी जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पदचाप से धरती को कंपती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटे। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं ज्यादा क्लियर नहीं थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी, धन्यवाद। तो जैसे कि माता जी ने पढ़ा तो क्या हुआ कि महाराज अम्बरीश का जो है अपमान होता है, दुर्वास मुनि क्या कुछ नहीं बोलते उनको, है ना। तो पहले तो एक तो बिन बुलाए मेहमान, है ना, पहले तो बिन बुलाए मेहमान बन के वे आ गए। उसके बाद राजा ने उनको बोला कि आप हमारे साथ भोजन भी कीजिए, उनका वेट भी किया, बस पानी पीकर जो है अपना व्रत तोड़ा, बस जल लेकर अपना व्रत तोड़ा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुझे खाने के लिए बुलाया और आपने स्वयं खा लिया। उन्होंने खा लिया क्या? नहीं, उन्होंने बस जल थोड़ा सा पी लिया, जैसे एक घूंट उन्होंने जल पी लिया। तो ये तो वैसा हो गया कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी, है ना। ये तो वैसी चीज कर रहे हैं दुर्वासा मुनि। और आगे पूरा ड्रामा होता है ना, लोग सीरियल देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं ना, ऐसा ड्रामा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भागवत कथा में, कृष्ण की लीलाएं में जो जितना ड्रामा होता है, जितना एडवेंचर होता है ना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या दुर्वास मुनि ने अपने जटा से एक बाल को निकाला, एक बाल से उन्होंने एक राक्षसी को उत्पन्न किया, ऐसा कहीं देखने को मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे शास्त्रों में और पुराणों में ये सब पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही एडवेंचर, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो वो एक योगी है, योगी ऐसा कर सकता है, अपने योग बल से वो ऐसा कर सकता है। तो योगी जो है अपने जटा से एक बाल को वो खींचकर उखाड़कर वो क्या करता है, उसी बाल से वो एक राक्षसी को उत्पन्न करता है।
और वो राक्षसी जो है महाराज अम्बरीश के तरफ वो जाती है, पर महाराज अम्बरीश जो है वो तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, वो अपने ही स्थान पे वो खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री भगवद्गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्त है प्रलय के समय पर उसका जो मन है वो विचलित नहीं होता। प्रलय यानी कि जब ये युग जो है खत्म होगा, या प्रलय यानी कि उसकी मृत्यु के समय पर भी एक भक्त जो है उसका मन विचलित नहीं होता है। तो इसीलिए महाराज अम्बरीश जो है वो अपने स्थान से जरा भी नहीं हटे। तो हीरो ऑफ द स्टोरी कौन है? महाराज अम्बरीश। तो एक राक्षसी उनके सामने आ जाती है, पर वे जरा भी नहीं डरे और वे अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हटे। हरे कृष्णा सुनीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से अधिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भागवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्य को जलाकर क्षार कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। धन्यवाद माता जी। यस, तो जैसे सुनीला माता जी ने पढ़ा, अभी क्या होता है, अभी कहानी में ट्विस्ट है ना। तो दुर्वास मुनि एक राक्षसी को उत्पन्न करता है जो अम्बरीश महाराज के आगे वो बढ़ती जाती है। तभी उनकी रक्षा करने के लिए कौन वहां पे आता है? तभी उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र जो है वहां पे आ जाते हैं। तो भगवद्गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्त प्रणश्यति। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए कौन आ जाता है? उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र जो है वो आ जाते हैं। अब वो किसके पीछे वो पड़ जाते हैं? वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। तो सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पड़ जाता है और दुर्वास मुनि अभी विचलित हो जाते हैं और वो अपनी रक्षा करने के लिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो होता ये है। आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के भिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की और सहम अग्नि को उनका पीछा करते देखा। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। यस, तो जैसे अलका माता जी ने पढ़ा, अभी क्या होता है, दुर्वास मुनि जो है वो अपनी रक्षा के लिए वो भागने लगते हैं। तो जैसे वो देखते हैं, जैसे ही पीछे मुड़के देखते हैं, तो सुदर्शन चक्र जैसे ही उनके बहुत करीब आने लगता है तो वो और तेजी से भागने लगते हैं, और तेजी से वो दौड़ने लगते हैं। और भागते भागते कहाँ कहाँ नहीं भागे वो, है ना, वो स्वर्ग लोक में चले गए और तीनों लोकों में चले गए, पृथ्वी तल में चले गए, आकाश में, गुफाओं में, समुन्द्र में, देखिए कितना भाग, कहाँ कहाँ नहीं भागे, है ना। तो भागते गए, अपनी रक्षा के लिए वे भागते ही गए। यस, आगे बढ़ते हम लोग। हरे कृष्णा सतीश चंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण ना मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्थ के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त तो हो जाती हैं, तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं, विनाश कर देते हैं।
मैं तथा शिवजी जैसे पुरुष तथा दक्ष भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसे कि प्रभु जी ने पढ़ा, अब क्या होता है, भागते भागते वो कहां नहीं भागते, फिर भागते भागते वो कहां पे आ जाते हैं, भागते भागते वो आ जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, सत्य लोक में वो आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ पे रहते हैं, सत्य लोक में रहते हैं, वहां पे आ जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि इस सुदर्शन चक्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी तो बोलते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, और अपने साथ वो किसको मिला लेते हैं, शिव जी को भी मिला लेते हैं, और क्या बोलते हैं कि हम खुद जो है विष्णु भगवान के हम शरण में जाते हैं जब प्रलय का समय होता है। और प्रलय कैसे होता है ये भी ब्रह्मा जी बताते हैं, बोलते हैं कि भृगु भंग मात्रे न, तो भ्रू भंग मात्रे न, भ्रू भंग मात्रे न मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कहा विपराट के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपने एक भ्रुकुटी को टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, तो भ्रुकुटी यानी कि क्या है, आईब्रो, आईब्रो को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये तो शुद्ध हिंदी में भ्रुकुटी बोलते हैं, तो आईब्रो को क्या बोलते हैं, लेडीज नहीं जाती आईब्रो बनाने के लिए पार्लर, यस वही है आईब्रो। तो बस आईब्रो को टेढ़ा करने में क्या हो जाता है, पूरा जो सृष्टि है उसका प्रलय हो जाता है। बस आईब्रो जो उनके आईब्रो है भ्रुकुटी है तो उसको टेढ़ा करने से पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। कृष्ण है भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पे उन्होंने उठाया, तो उसी प्रकार विष्णु जो है अपने यानी कि भ्रुकुटी को टेढ़ा करते ही क्या हो जाता है, वो सारे इस ब्रह्मांड को वो समाप्त करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, तो श्लोक में क्या बोलते हैं, भ्रू भंग मात्रे न, और कौन कौन उनके शरण में जाता है, बोलते केवल मैं नहीं, प्रजा ईशा, भूत ईशा, सुर ईशा, हम सभी लोग जो है उनके शरण में चले जाते हैं। तो अभी वहां से तो रिजेक्ट हो गए, वहां से सत्यलोक से ब्रह्मा जी ने तो दुर्वास मुनि को रिजेक्ट कर दिया, अब वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो कैलाश में पहुंच जाते हैं। अभी देखते हैं कि शिव जी क्या बोलते हैं। यस, किसी का अकाउंट का नाम है गैलेक्सी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्राह्मणों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। मैं शिव जी, सनत कुमार, नारद जी, परम आदरणीय ब्रह्मा जी, कपिल, देवहूति पुत्र, अपांतरतम व्यासदेव जी, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक सनत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं, फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयाई होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे, दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तत्पश्चात शिवजी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि बैकुंठ ग्राम को गए। वहां भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कांपते शरीर से वे इस तरह बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।
तो जैसे कि माता जी ने पढ़ा है, अभी क्या होता है, शिव जी के पास वे चले जाते हैं, और जो शिव जी, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये भागवत पुराण से ये श्लोक है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। असल में क्या है, ये भागवत पुराण के ये सारे जो है श्लोक है। तो भागवत पुराण में तो ये जो राजा अम्बरीश की हम लोग कथा पढ़ रहे हैं ये आता है भागवत पुराण के 9वें स्कंद में चौथा अध्याय 9th canto 4th chapter। और ये जो शिवजी वाला श्लोक है जहाँ पे शिवजी बोलते हैं, ये किसमें आता है, श्लोका नंबर 56 तो उसमें आता है। तो उसमें क्या बोलते हैं शिवजी, श्री शंकर उवाच वयम ना तथा प्रभवाम भूमि यस्मिन परेनी अपि अज जीव कोशा। तो अभी शिवजी जो है वे बोलते हैं दुर्वास मुनि से कि वयम न प्रभावमा, तो वयम यानी कि हम न प्रभावमा यानी कि हम तुलना या हम बराबरी नहीं कर सकते। तो उस हम में किसको जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो जोड़ रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी को भी जोड़ रहे हैं और जितने भी देवलोक के जितने भी देवतागण हैं उन सबको जोड़ रहे हैं, है ना। तो भगवद्गीता के टाइम पे कितने लोगों ने बोला था कैसे कैसे कृष्ण जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम बता रहे हैं, ये तो अहंकार है ना। तो कृष्ण स्वयं हमको बोल रहे कि आपको अहंकार भाव नहीं रखना है, आपको विनम्र होना है, और वो अपने अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, अपने ही बारे में बोल रहे हैं। नहीं, जो अगर कोई रास्ता भटक जाता है, अगर आपका ही घर वाला रास्ता भटक जाता है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको घर दिखाने के लिए आप बोलेंगे कि तुम्हारा घर तो वहां है और मैं तो तुम्हारा पिता हूँ और मेरे पास ये सब कुछ है, ये तुम्हारा ही है ना। तो तब जो पिता है वो अहंकारवश नहीं बात कर रहा है। उसी प्रकार जब कृष्ण ये सब बोलते हैं तो बहुत लोगों को लगा कि नहीं नहीं कृष्ण को अहंकार है। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं इस्कॉन संस्था से पहली बार मेरा परिचय हुआ था, पर मुझे फिर 1-2 साल लगा समझने में कि क्या है क्या नहीं है। तो यस, तो यहाँ पे शिव जी जो है बोलते हैं, और केवल अपने आप को ही नहीं वो सबको जोड़ के बोलते हैं कि हम तुलना नहीं कर सकते, हम बराबरी नहीं कर सकते भगवान कृष्ण से। और क्या बोलते हैं एंड में कि हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तो हम जानते हैं। तो क्या बोलते हैं कि हम तो जानते हैं, यानी कि मैं यानी कि शिवजी, और एंड में आप देख सकते हैं हम अनेक लोग जो है भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं, फिर भी भगवान की माया से प्रचन्न होने के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि ये माया कितनी विस्तरीन है। तो वो बोलते हैं कि हम तो भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं, पर हम भी नहीं समझ पाते प्रभु की माया को, हम भी नहीं समझ पाते। और बोलते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है इससे तो हम भी नहीं लड़ सकते, इससे तो हम भी नहीं लड़ सकते। तो आपको क्या करना है, बोलते कि आपको तो शायद वैकुंठ लोक पे ही जाना है और उन्हीं से आपको प्रार्थना करनी है। तो कांपते हुए फिर वो क्या करते हैं, वो जो है वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, दुर्वास मुनि वैकुंठ लोक में चले जाते हैं और वहां जाके प्रार्थना करते हैं। जैसे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना, तो अब जाके वहां पे वो प्रार्थना करते हैं, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, तो आप कृपया मेरी आप रक्षा करें। यस, हरे कृष्णा, राम कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है, कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नर्क जाने के लायक हो उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे कि रामकृष्ण प्रभु जी ने पढ़ा है, अभी दुर्वास मुनि कहाँ पे पहुंच जाते हैं, दुर्वास मुनि पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको समाधान मिलता है क्या, नहीं। भगवान अभी क्या बोलते हैं, भगवान तो बोलते हैं कि पहले तो दुर्वास मुनि बोलते हैं भगवान के नाम की महिमा के बारे में, बोलते हैं कि आपका तो नाम कितना पवित्र है कि जो व्यक्ति अगर नरक में भी जाने वाला है वो व्यक्ति भी अगर आपका नाम ले ले या आपका नाम का श्रवण करे तो उसके भी हृदय में जो है पवित्रता या उसका भी जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा करता है, पर जवाब में उसके उत्तर में भगवान क्या बोलते हैं दुर्वास मुनि को, भगवान बोलते हैं कि
मैं तो अपने भक्त के वश में हूँ, है ना, कैसे भगवान है ना क्या बोल रहा है कि मैं तो पूरी तरह से पूर्णतः मैं तो पूरी तरह से अपने भक्त के वश में हूँ। और बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं, है ना। देखिए ना कैसे भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं कि भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना। गीता में 18 डेज में लोगों ने बोला भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ भगवान पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, तो हम क्यों कुछ करें, हम कर्म क्यों करें, सब कुछ डेस्टिनी है तो हम कर्म क्यों करें। यहाँ पे वही भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मैं क्या हूँ, मैं कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। कौन? मेरे भक्त, क्योंकि उनमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है मुझे ही अर्पित किया है, मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं, तो मैं तो उनके वश में हूँ, है ना। हम सोचते हैं कि भगवान जो है कंट्रोल करते हैं, या फिर भगवान बोल रहे कि नहीं 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 मैं कंट्रोल नहीं करता, जो मेरे भक्त है वो मुझे कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुझे मेरी भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक भी बोल देते हैं कि केवल मेरा भक्त ही नहीं, अगर मेरे भक्त से कोई प्रेम करता है तो वो लोग भी मुझे प्रिय है। अगर मेरे भक्त का कोई प्रेम करता है, अगर मेरी भक्त की कोई सेवा करता है, तो वैसे लोग भी मुझे सबसे प्रिय है, वैसे लोगों को भी मैं बहुत मानता हूँ। ऐसे कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। और क्या बोलते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो हमारे घर में जनरली कोई भी हम लोग फंक्शन हम लोग रखते हैं, तो इन्विटेशन कार्ड में हम लोग हमेशा एक श्लोक को हम लोग छपवाते हैं। वो एक श्लोक है जहाँ पे कृष्ण जो है नारद मुनि से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जो है वो कृष्ण से, वो नारद जी से बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, कि हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगिनां हृदयेषु वा, मैं योगी जन मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो फिर आप कहाँ रहते हैं? तो नारद जी को बोलते हैं कि तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां रहता हूँ नारद, यत्र गायन्ति मद भक्ताः, जहाँ सदैव मेरा कीर्तन होता है, जहाँ मेरे नाम की महिमा का वर्णन होता है, श्रवण होता है, मैं वहां पे वास करता हूँ। तो जब भी कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो हम हमेशा ये वाला जो श्लोक है वो छपाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं वहां पे मैं वास करता हूँ। हरे कृष्णा सरोज माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस। हे ब्राह्मण श्वेत, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, वो मेरे जैसे भक्त को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ? जिस तरह सती स्त्रियाँ अपने भद्रपतियों को अपनी सेवा से अपने वंश में वस्त्र में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वस्त्र में कर लेते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यस। तो जैसे कि सरोज माता ने जो पढ़ा, अभी क्या होता है, अभी कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो केवल प्रेम से कोई मुझे बांध सकता है, कृष्णा कैन बी कॉन्कर्ड ओनली बाय लव। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग सब कुछ छोड़ के वे केवल मेरी भक्ति करते हैं, उनको भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और उनको वो बोलते हैं कि साधु पुरुष है, वैसे साधु पुरुष को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और एंड में क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार एक सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे जो भक्त है वो भी अपने भक्ति से मुझे वश में कर लेते हैं। कैसे भगवान है ना, हम सोचते कि वो कंट्रोल करते हैं, वो बोल रहे कि नहीं, दो मुझे लोग कंट्रोल करते हैं, मुझे मेरे भक्त जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जब कृष्ण जो है माखन जाके चुराते हैं, वो इसीलिए नहीं चुराते क्योंकि उनको भूख लगी है। जो गोपिया है वो प्रार्थना करती है
कि कृष्ण जो है केवल यशोधा मैया के यानी कि उन्हीं का वो माखन खाता है, हमारा माखन वो क्यों नहीं खाता है, हम चाहते कि वो हमारे घर पे आए और चुरा के हमारा भी माखन खाए, और वो चाहते थे कि कृष्ण जो है चुरा के खाए, इसीलिए कृष्ण चुरा के खाते थे। तो और यही वो रीजन है, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको यानी कि चोरी करना था, चोरी की आदत थी उनको, नहीं, गोपियां प्रार्थना करती थी कि हम चाहते हैं कि कृष्ण चुरा के खाए, इसीलिए आके कृष्ण चुरा के खाते थे। तो कृष्ण जो है तीन गुणों के अधीन नहीं है, तीन गुणों से वो परे है। कौन से है वो तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर वो बंधे हुए हैं अपने भक्तों के प्रेम से, है ना, तीन गुणों के तो परे है कृष्ण, पर वो अपने भक्तों के प्रेम से वो बंध जाते हैं और भक्त जो है उनको वश में कर लेते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? स्वयं वे ही बोलते हैं। तो अभी सबसे एक क्वेश्चन है कि एक भक्ति योगी में और एक कर्म योगी में क्या अंतर है? हम लोगों ने तीसरा अध्याय देखा था कर्म योग, और फिर बारहवां अध्याय भी देखा था भक्ति योग। तो एक कर्म योगी में और एक भक्ति योगी में क्या अंतर है? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण बार बार बोल रहे हैं मेरे भक्त, मेरे भक्त, मेरे भक्तगण। तो क्या डिफरेंस है एक कर्म योगी में और एक भक्ति योगी में? यस, हरे कृष्णा सुनीला माता जी। जी माता जी, आप अनम्यूट करें। वो अपनी बुद्धि से, समर्पण से, उसको ज्ञान नहीं होता, प्रभु ही बुद्धि देते हैं, तो वह सिर्फ भगवान को ही समर्पित रहता है, वो सोचता भगवान ही करेंगे। ओके, वो भगवान पर समर्पित रहता है, वो धीरे धीरे चमत्कार देखता है तो उन पर समर्पित होता चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं है। ओके, ओके, वेरी नाइस। किसको? भक्ति योगी को या कर्मी योगी को? भक्ति योगी को। अच्छा, भक्ति योगी वो को? सिर्फ भगवान पे समर्पित है कि मेरे को तो भगवान में आप पर समर्पित हूँ, आप जो करोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, और भगवान उसे बुद्धि देते हैं और अपने आप ही चमत्कार। गीता का सहयोग, हम तो जानते भी नहीं इसको, उनको तो आप किसी ने जोड़ दिया, हमें मिल गया ज्ञान, वो उसकी कृपा ही समझते हैं हम तो। जी जी जी, वेरी नाइस। यस, ओके। एक अकाउंट है गैलेक्सी J1, ये सब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ, मैं निर्मला अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ जी, निर्मला माता जी। यस, तो कर्म योगी तो अपना कर्म पूरी तरह से करता है, लेकिन भक्ति योगी जो होता है वो भक्ति में लीन रहकर भगवान में ही सारे अपने सारे कर्म को समर्पित करता है, कृष्ण को सारे अपने कर्म को समर्पित करता है। जो भी कर्म करता है वो भी वो अपने भक्ति भगवान के कर्म, भगवान के लिए ही मैं सब कर रहा हूँ, और अपना जीवन पूरी तरह से भक्ति में समर्पित करके कर्म करता है। और भक्त कर्म योगी तो अपने कर्म को के मैं इस जगत में आया हूँ तो कर्म का मेरा प्रधान कर्म है, ये मुझे ये सब कर्तव्य पालन करने हैं, इसलिए वो कर्म करता है। यस, वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। जयमाला माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म योगी जो कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है, और जो भक्त जो भक्ति करता है तो वो उसके कर्म जो भी करता है उसका फल नहीं मिलता है उनको, वो अकर्म बन जाता है। भक्ति मिल जाती है। ओके, हाँ, भक्ति मिल जाती है। हरे कृष्णा। यस, वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, कर्मयोगी जो भक्ति करते हैं उसमें एज आई सेड कि वो इट इज लाइक कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दे ओनली वांट समथिंग फ्रॉम गॉड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग भक्ति। बट इन भक्ति में, भक्ति योग में ऐसा रहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ कृष्ण के प्रेम के लिए करते हैं, बिकॉज वी लव कृष्ण। जैसे हमने क्लास में भी आपने डिस्कस किया था कि हम जो कुछ करेंगे लेट अस डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा। हम खाना बनाएंगे हम भगवान के लिए बनाएंगे, हम हमारा इनकम है उसका कुछ पोर्शन हम भगवान के लिए रखेंगे। सो एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग हम लोग कृष्णा को सेंटर रखते हैं भक्ति योग में। बट कर्म योग में ऐसा नहीं होता है, कुछ पाने के लिए वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। Okay, very nice. But in bhakti yog, we are doing everything. It is selfless, meaning it is only for God's happiness, only for Krishna's happiness everything is done. Yes, very nice. Okay, धन्यवाद। आखिर में हम लोग योगेश प्रभु जी को सुन लेते हैं। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी।
आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। जी मुझे लगता है कि भक्ति योग और कर्म योग दोनों में अंतर नहीं रहता। भक्ति योग में हमको लगता है कि हम भक्ति में है, हर चीज अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं। ऐसा भक्ति योग का तात्पर्य या भक्ति योग की इच्छा से हम लोग भक्ति करते हैं। कर्म जो हम लोग जो करते हैं वो भी ईश्वर की ही इशारों के आधार होकर ही करते हैं। अगर कोई सिद्ध पुरुष सिद्धि करने के लिए कुछ कर्म करता है तो उसकी इच्छा भी ईश्वर से जुड़ने के लिए ही है। तो दोनों में ही ऐसे विशेष अंतर मुझे नहीं लगता कि दोनों भी भगवान के द्वारा ही रचित इस माया जाल से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हर व्यक्ति कोई व्यक्ति में ज्यादा लीन रहता है, कोई कर्म से अपने जो आगे बढ़ना चाहता है। यस जी, यस। तो सबने बहुत अच्छे से समझाया है, योगेश प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया है। कमेंट्स में कुछ कमेंट्स है, उसको मैं पढ़ लेती हूँ चैट में। तो कविता माता जी ने बोला है कि कर्म योग में पूजा करते भौतिक इच्छा के लिए, तो भक्ति में हम लोग कुछ नहीं मांगते भगवान से। ओके, वेरी नाइस। यस, अंकित प्रभु जी ने बोला है कि कर्म योगी जो है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर्म करता है, पर भक्ति योगी जो है वो भगवान की तृप्ति यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कर्म करता है। तो उसे कर्म तो उसके जो कर्म है वो यज्ञ की तरह होते हैं। तो फिर से उन्होंने रेफरेंस दिया है श्लोक का, यज्ञाथात कर्मनो नित्र लोकोयम कर्म बंधनः। ओके, वेरी नाइस। ओके शुभम प्रभु जी ने बोला कि जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में वो लिपटा रहता है तो वो कर्म योगी होगा, परंतु जब वो लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत और भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वो भक्ति योगी बन जाता है। ओके, यस, सबके आंसर्स बहुत अच्छे हैं। तो एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास आलू है, आपके पास 1-2 kg आलू है, और आपका मन होता है आलू को देख के, आपका क्या मन होता है कि हमें तो आज फ्रेंच फ्राइज खाना है। हमें आज आलू को देख के क्या मन हो रहा है, हमारा फिंगर चिप्स फ्रेंच फ्राइज खाने का हमारा मन हो रहा है। तो उसका आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं और बाद में आप सोचते हैं कि भगवान को हम अर्पित कर देंगे और भगवान को अर्पित करके हम खाएंगे। ओके, तो इसको कर्मयोग बोलते हैं। कर्मयोग क्या है, यानी कि आपका मन हुआ फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो इसीलिए आपने बना के आपने सोचा कि भगवान को भी आप दे देते। तो कर्मकांड में ऐसे होता है कि फल की प्राप्ति के लिए हम लोग करते हैं। तो तीसरा जो अध्याय है भगवद्गीता का, भगवान उसमें यही बोलते हैं कि किस प्रकार कर्मकांड को कर्मयोग बनाना है। जब योग का क्या मतलब है, किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना ही, उसी को हम लोग योग बोलते हैं। तो कर्म को भगवान के साथ जोड़ना क्या बन जाता है, कर्म योग। तो कर्म कांड में ऐसे होता है कि हम लोग बस भौतिक इच्छा के, बस फल प्राप्ति के लिए हम लोग करते हैं, पर कर्म योग में क्या होता है, हम लोग जो है भगवान के साथ अपने हर कार्य को, अपने हर कर्म को जोड़ते हैं। तो हमको तो लगा था ये तो भक्ति है, हमें फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हुआ तो हम लोग ने भगवान को भोग चढ़ाया और हम लोग खा रहे हैं, और ये क्या है, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग नहीं है। अच्छा, तो फिर भक्ति योग क्या है? भक्ति योग वो है कि आपने सोचा कि मेरे पास तो आज बस आलू है, तो आज मैं इसका फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा और आज मैं कुछ अच्छा मैं बनाऊंगा कृष्ण के लिए, तो कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखने में तो लगता है कि दोनों सेम ही तो है, क्या अंतर है दोनों में? तो अंतर वही है कि आपके जब घर में मेहमान आते हैं तो क्योंकि आपके घर में मेहमान आते हैं, आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, जूस बनाते हैं, बाहर से आइसक्रीम लेके आते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तो क्योंकि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं इसका अर्थ ये है कि आपको भी खाने को मिलेगा, है ना। मेहमान के बहाने लोग तो बहुत खुश होते जब मेहमान आते कि नहीं, मेहमान के बहाने हमको भी अच्छे अच्छे जो चीजें है, स्नैक्स है, हमको भी खाने को मिलेगा। पर जिसके लिए बनाया है, मेहमान के लिए बनाया है, क्या मेहमान से नहीं पूछेंगे कि नमक ठीक तो है, आपको स्वाद ठीक तो लगा, कैसे बना है, आप खाके खुश तो है, आपको आनंद प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, है ना। यस, अपने लिए भी बनाते हैं, हमको भी अच्छा लगता है जब मेहमान आते हैं, हमें भी खाने के लिए मिलता है, पर उद्देश्य क्या है, मेहमान को प्रसन्न करना है, उद्देश्य वो है, है ना। तो यही अंतर होता है कर्म योग में और भक्ति योग में। तो भक्ति योग में ऐसा होता है कि हम लोग जाके थाली भगवान को भोग समर्पित करते हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए, आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सेवा से प्रसन्न रहेंगे, आज मैंने आपके लिए ये व्यंजन बनाया है, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे इस सेवा से आप आज प्रसन्न रहेंगे,
ये नहीं कि आपने भोग लगा दिया और साइड में जाके आप बैठ गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कब मिलेगा मुझे खाना, इतना देखने से तो बहुत चटपटा लग रहा है, देखने से तो लग रहा है कि बहुत टेस्टी है, देखने से तो ऐसा लग रहा है एकदम क्रिस्पी लग रहा है, नहीं तो मेहमान के सामने हम ऐसा करेंगे नहीं, मेहमान को हम लोग देंगे और बोलेंगे नहीं नहीं पहले आप लीजिए, हम लोग बाद में खाना खा लेंगे, कम भी पड़ गया तो भी कोई बात नहीं है ना, तो मेहमान के साथ हम लोग कैसे पेश आएंगे, तो वो स्पेशल है, स्पेशल अतिथि है। तो हमारा जो घर में भी हम लोग कार्य करते हैं वो एक मेहमान के लिए करते हैं, कौन है, हमारे अर्च विग्रह के लिए, कृष्ण के लिए करते हैं। तो दोनों में यही अंतर है, देखने से लगता है दोनों सेम ही है ना, पहले केस में भी जो है जो व्यक्ति है वो भगवान को भोग लगाता है पर उसकी इच्छा के, उसकी इच्छा को यानी कि उसकी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए लगाता है, यानी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है, ठीक है, भगवान को प्रभुपाद ने बोला कि भगवान को भोग देना है तो यस। तो अभी हम सभी लोग जो है ये कर्मयोगी लेवल पे ही है ना, हम अभी शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं है, सभी लोग इसी लेवल पे है कि हम अपनी इच्छा से हम लोग खाना बनाते हैं और हम लोग वेट करते हैं कि ठीक है ये एक जैसे एक ऑब्लिगेशन है ना, भगवान को भोग लगा के खाना है तो इसमें क्या है, इसमें पाप नहीं चलेगा, तो यस वो भी अच्छा ही है, हम लोग कम से कम हम लोग प्रगति कर रहे हैं भक्ति के तौर पे, हम लोग प्रगति कर रहे हैं पर वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। उसको हम लोग श्रेष्ठ और शुद्ध कब बनाएंगे, जब हम साथ में भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान हम आशा करते कि आपको, हे कृष्ण हम आशा करते कि आपको आज हमारी सेवा पसंद आएगी, आज जो व्यंजन बनाया है आशा करते कि आप इसको चखेंगे आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो ये होता है भक्ति का भाव। ओके, तो आज हम लोगों ने ये भी सीख लिया, बहुत अच्छा लगा, सभी ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। ओके, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, यस उनको पढ़ना है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, बस अभी 3-4 स्लाइड ही बचे हैं। हरे कृष्णा सपना माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके अत्यंत देश में कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथा कथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है उसकी वह शक्ति प्रयोग को भी हानि पहुंचाता है। इस प्रकार कर्त विषयी को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। ठीक, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कृष्ण, क्या बोलते हैं विष्णु भगवान दुर्वास मुनि से, वो क्या बोलते हैं कि अब मैं तुमको एक उपदेश देता हूँ। क्या है वो, क्या है वो उपदेश, कि जिसका तुमने अपमान किया है तुम उन्हीं के पास जाओ, जिसका तुमने अपमान किया है तुमको उन्हीं के पास जाना चाहिए, यानी कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र मेरा ही है, वो मेरा ही शस्त्र है, पर मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ सुदर्शन चक्र से। तो जिसकी, जिसका आपने अपमान किया है आपको तो फिर उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो सत्यलोक से रिजेक्ट हो गए, कैलाश से रिजेक्ट हो गए, वैकुंठ लोग चले गए दुर्वास मुनि, वहां से भी क्या है भगवान विष्णु उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं हम भी कुछ नहीं कर सकते। और एंड में क्या बोलते हैं कि आपने जो तथा कठिन, आपने अपने जो शक्ति का प्रयोग किया है, और प्रयोग किस पे किया है, एक भक्त पे आपने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो प्रयुक्ता है या उसमें जो विषय है उसको हानि नहीं पहुंचती। तो जिसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है वो उल्टा वार जो है, उल्टा जो प्रहार है उस पे ही होगा। यानी कि अगर कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, यानी कि अगर कोई एक भक्त के ऊपर काला जादू करेगा तो क्या होगा, जिसने काला जादू किया है उसका जो प्रहार है, उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो उसी के ऊपर पड़ जाएगा। यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं विष्णु भगवान, इस प्रकार कर्ता विषयी को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं, यानी कि जिसके ऊपर काला जादू किया गया है, जिसके ऊपर हम लोग, जिसको हम लोग श्राप देते हैं कि तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके साथ नहीं होगा, जिसने ये बातें कही है, जिसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है उसी पर ये उल्टा प्रहार जो है हो जाएगा। यस, ये बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं पर बहुत लोग जो है हमारे ऊपर यानी कि बुरी नजर डालते हैं। नहीं, यहाँ पे भगवान जो है आश्वासन देते हैं कि अगर आप भक्त बनोगे तो यस प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है, तो जो आपका बुरा करेगा उसी का बुरा हो जाएगा, आप पे इसका कोई भी
प्रभाव नहीं होगा। ओके हरे कृष्णा। अलका व्यास माता जी आप अनम्यूट करें। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सुनाई दे रहा है? जी हाँ। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद हैं, किंतु जब तपस्या विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती हैं। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद अलका माता जी। यस, तो अभी क्या बोलते हैं भगवान दुर्वास मुनि को कि जिसकी तुमने अपमान किया है तुम्हें तो उसी के पास जाना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या जो है जरूरी है, पर उसके साथ कौन सा गुण होना चाहिए? उसके साथ उसको विनीत भी होना चाहिए, उसके साथ उसमें विनम्र भाव भी होना चाहिए। भले ही आप तपस्या चाहे कितना भी कर लो, आप यज्ञ चाहे जितना भी कर लो, दान चाहे आप कितना भी दो, पर जो प्रमुख गुण है वो क्या होना चाहिए आप में? आप में विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, हम्बल रहना चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, यानी कि मैं बस सोचता कि ठीक है तुम्हारा भला हो जाए, मैं कामना कर रहा हूँ। भगवान उसको विश्वास नहीं दिला रहे हैं, उसको विश्वास नहीं दिला रहे हैं कि राजा अम्बरीश तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं, वो बोल रहे कि मैं तो बस मैं तुम्हारे यानी कि कल्याण के लिए मैं कामना करता हूँ। यानी कि राजा ने आपको माफ कर दिया तो ठीक है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना, ये वो वाला सिचुएशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कृष्ण जो है अपने भक्त के वश में है, है ना। बोले कि मैं तो अभी बस कामना कर सकता हूँ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए हम तो बस कामना ही कर सकते हैं। बाकी जिसका आपने अपने अपमान किया है, अभी सब कुछ जो है उन्हीं के हाथों में है। तो ऐसे बोलते हैं भगवान उसको। यस, ये देखते हैं एंड में क्या होता है। हरे कृष्णा। जयमाला माता जी। हरे कृष्णा जी। भगवान विष्णु के आदेश से दुर्वासा मुनि अविलंब महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। स्वभाव से अत्यंत विनम्र होने के कारण महाराज अम्बरीश लज्जित हुए, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े थे। अतः एव दुर्वासा को बचाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करनी प्रारंभ की। यह सुदर्शन चक्र क्या है? यह भगवान की दृष्टि है जिससे वे सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। स एक्षत, एक्षत स अश्रुजत, यह वेद वाक्य है। यह सुदर्शन चक्र सृष्टि का उत्सव है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें 1000 अरे हैं। यह अन्य सारे साथियों हथियारों के पराक्रम को ध्वंस करने वाला अंधकार का नाशक तथा भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। यह धर्म स्थापना का साधन है और अधर्मों हरे कृष्ण जी माता जी कंटिन्यू कीजिए। अधर्मों का विनाशक है। इसकी कृपा के बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता। अतएव भगवान इस चक्र को उपयोग में लाते हैं। जब महाराज अम्बरीश ने स्तुति की कि सुदर्शन चक्र कृपालु हो, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर दुर्वासा मुनि को मारने से विरत हुआ। इस तरह दुर्वासा को सुदर्शन चक्र की कृपा प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दुर्वासा मुनि ने वैष्णव को सामान्य व्यक्ति समझने के अपने घृणित विचार को त्याग दिया। वैष्णव वे जाति बुद्धि। महाराज अम्बरीश क्षत्रिय जाति के थे, अतएव दुर्वासा मुनि उन्हें ब्राह्मणों से निम्न मानते थे और इसीलिए उन पर ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाद में जब
राजा जो है यानी कि दुर्वास मुनि जो है अम्बरीश के पास ही आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो अम्बरीश महाराज जो है वो लज्जित होते हैं कि अरे आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं, और सुदर्शन की स्तुति करने लगते हैं और बाद में सुदर्शन जो है वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक वैष्णव का गुणगान किया है कि किस प्रकार जो दुर्वास मुनि है वो अपने शक्ति का वो दुरुपयोग करना चाहते थे, पर राजा को इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि देखो तो मेरे लिए भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो भी कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। नहीं, राजा में बिल्कुल भी तभी भी अहंकार भाव जो है तभी भी नहीं आया। तो राजा तो उल्टा लज्जित था कि आप ब्राह्मणों के आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं। तो यस, हम देख सकते कि वो कितने अच्छे भक्त है। हरे कृष्णा सारिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस घटना से हर एक को यह सीख लेना चाहिए कि वैष्णवों की उपेक्षा का गृहित विचार किस तरह त्याग देना चाहिए। इस घटना के बाद महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को अच्छा भोजन खिलाया और राजा ने भी जो उस स्थान पर एक वर्ष के बिना कुछ खाए खड़े थे प्रसाद ग्रहण किया। कालांतर में महाराज अम्बरीश ने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और वे भक्ति पूर्वक ध्यान करने के लिए मानस सरोवर के तट पर चले गए। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, तो कोई बताना चाहता है कि हम लोगों ने आज के चैप्टर में क्या सीखा? कोई चार लोग अब बता सकते हैं कि क्या सीखा, यानी कि आज के चैप्टर में और लास्ट वीक हम लोगों ने राजा नृत्य की कहानी सुनी थी। दोनों कथा ऑलमोस्ट सेम है कि एक ब्राह्मण का अपराध हुआ था, पर दोनों के जो परिणाम है अलग अलग है। यस हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। राधे कृष्णा। तो मेरे को तो ये लगता है कि कभी भी भक्त का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। इवन इफ यू आर रियली ग्रेट योगी और व्हाट एवर यू आर, यू शुड नॉट टेक एनी लाइक टेस्ट टू द गॉड लाइक भक्त। यस 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 वेरी नाइस। यस बहुत अच्छा जवाब दिया है प्रभु जी ने कि कभी भी भक्त का जो है परीक्षा किसी को कभी लेना ही नहीं चाहिए। ओके हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्णा जी। मुझे लगता है कि भक्त की रक्षा के लिए हमेशा भगवान खड़े रहते हैं, और अगर हमारे भक्ति में घमंड नहीं है, विनम्रता है, तो भगवान उनको पूरी तरह से हमारी रक्षा करेंगे। तो हमको केवल अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए और ये इसी उसी कर्म में लगा रहना चाहिए। भक्ति अपनी विनम्रता के द्वारा सब कुछ अर्पण भगवान को करके ही पूरी भक्ति करनी चाहिए, और हमें हमारी उस ब्राह्मण कोई है तो उसको भी किसी को भी अपने घमंड हो जाए कि हम मैं कुछ हूँ, तो उस बात से भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। भगवान भक्ति देखते हैं, उसकी नम्रता देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो, लेकिन काबिल होने पर तुम्हें घमंड नहीं आना चाहिए, ये हमें समझ में आते हैं। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यस माता जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और अहंकार के बिना, अहंकार भावना के बिना आपको भक्ति करनी चाहिए। वेरी नाइस। तो अंकित प्रभु जी ने चार पॉइंट्स दिए हैं जो आज उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला है कि पहले तो भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। यस वो वैष्णव अपराध होता है, भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अंकित प्रभु जी ने बोला है कि भक्त को राजा की तरह विनम्र होना चाहिए। वो राजा था तभी भी वो विनम्र था। यस वेरी नाइस। और भक्त की रक्षा जो है भगवान जरूर करते हैं, तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी रक्षा जो है भगवान करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजा अम्बरीश ने तब भगवान को नहीं बुलाया कि भगवान आप कहा है, हम तो आपके लिए एकादशी व्रत रखे थे, आप कहा है ऐसा हो रहा है। नहीं, वो एकदम विचलित नहीं थे, वो बस थे सुदर्शन चक्र स्वयं आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। और भक्त के वश में है, यानी कि भक्त के वश में भगवान है। यस आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भगवान जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तीनों लोगों के स्वामी है, त्रिभुवन स्वामी, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो अपने भक्त का दास हूँ, है ना। मैं अपने भक्त के वश में हूँ, क्या क्या अर्थ है कि मैं तो अपने भक्त का दास हूँ। यस तो कविता माता जी ने बोला है कि हमें समभाव से रहना चाहिए और भक्त रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। ओके वेरी नाइस। जी कल्पेश प्रभु जी ने बोला है कि हम लोगों ने आज सीखा बेसिक्स ऑफ कर्म योग एंड भक्ति योग। यस
जी प्रभु जी। और कविता ने की माता जी ने बोला है कि एक वैष्णव को विनीत भाव से रहना चाहिए। ओके हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल है, और इसीलिए भगवान पे कभी भरोसा हम लोग ने खोना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है कि अम्बरीश महाराज भी जो है अपनी सारी इंद्रिया है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन करने, प्रसाद चखना, जीवा से, नाक से भगवान के अर्पण किए फूलों की खुशबू लेनी, वैसे कीर्तन करना, श्रवण करना, ये सब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनको बिल्कुल भी अहंकार नहीं रहता है और उन्हें भगवान पे पूरी श्रद्धा रहती है, इसीलिए भगवान भी भक्तों की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे से माता जी ने समझाया है। यस तो आज के अध्याय से या आज के भागवत कथा से हम लोगों ने यही सीखा कि भले ही एक ब्राह्मण भी आपसे प्रसन्न नहीं है पर ज्यादा जरूरी क्या है, वैष्णव की कृपा है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उस स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि राजा नृग जो है इतना वो पुण्य करता है, इतना पुण्य करता है, पर एक ब्राह्मण जो है क्रोध भी नहीं प्रकट करते हैं, बस एक ब्राह्मण जो है प्रसन्न नहीं होते कि मुझे अच्छे से दान नहीं दिया गया है और वो उसके परिणाम के कारण वो एक छिपकली बन जाता है। तो पुण्य करने में यही प्रॉब्लम है कि पुण्य का मतलब ये नहीं कि मैंने भला किया, नहीं, सामने वाले को भी लगना चाहिए कि मेरा भला हुआ तभी आपको उसका श्रेय मिलेगा, वरना आपको उसका श्रेय ही नहीं मिलेगा, है ना। पर भक्ति में क्या है, पहली बात तो जानबूझ के अम्बरीश महाराज ने ऐसा किया नहीं तभी भी सामने वाले को बुरा लगा, अभी भी राजा नृग ने भी जानबूझ के कुछ नहीं किया पर सामने वाले को बुरा लगा, अम्बरीश महाराज ने भी जानबूझ के कुछ नहीं किया पर सामने वाले को बुरा लगा, तो दोनों में यानी कि भगवान ने किसको रक्षा दिया, अम्बरीश महाराज को, क्योंकि राजा नृग जो भी कर रहा था उसको स्वर्ग लोक में जाके भोगना था इसीलिए वो कर रहा था, तो राजा नृग ने जो भी दान दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि उसको मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग लोक में जाके निवास करना था। पर राजा अम्बरीश जो है वो व्रत रखता है, कौन सा व्रत रखता है, एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत में कोई मन्नत नहीं मांगते, ये हम लोग सिर्फ केवल और केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए हम लोग रखते हैं। तो यस, अगर हमें कोई व्रत रखना है, अगर हमें कुछ करना ही है तो वो क्या है, एकादशी, एकादशी का व्रत, तो महीने में दो बार आता है, महीने में दो बार आता है, तो यस हम लोग वो व्रत रख, हम लोग रख सकते हैं, कम से कम हम लोग एक टाइम हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, अगर कोई व्रत नहीं रख पाता तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वैसे देखा कि अगर ब्राह्मण भी कभी कभी हमसे प्रसन्न नहीं है तो भी चलेगा, वैष्णव की कृपा जो है वो ज्यादा जरूरी है, ये हम लोगों ने आज की कथा से सीखा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो कथा का सेशन है वो अच्छा लगा। यस यू ऑल एंजॉयड, सबको कहानी समझ में आई। तो ऐसे ही होगा कि एवरी मंथ जो लास्ट वीक है उसमें हम लोग भागवत कथा हम लोग कोई ना कोई चर्चा करेंगे, और ऐसे डिस्कशंस जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा कि आप क्या बोल रहे हो, अगर आपका उत्तर गलत भी है, कुछ और भी है, तो भी कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आप पे नहीं हंसेगा, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, और अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो आपको बोलने का अवसर कब मिलेगा, इसलिए 18-day कोर्स में मैं किसी को बोलने नहीं देती, उसमें सिर्फ मैं बोलती, पर एडवांस कोर्स में यस हम लोग साथ में मिलके इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो यस यू कैन गिव योर व्यूज, क्योंकि समझना भी है कि ठीक है सामने वाला क्या सोचता है, अलग अलग हम लोगों ने चीजें सुनी होती है, तो यस वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट टूगेदर, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा जवाब गलत है या किसी और का सही है, नहीं, सभी लोग जो है सीखने के लिए आए हैं, आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले जो मुझे नहीं पता था, तो यस आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न, आप लोग भी सीखने के लिए आए हैं, ओके तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज आए अपना समय निकालकर संडे पर। तो कल बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि माता जी आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो कल मैंने यही डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग मिलेगा पर आज का रिकॉर्डिंग आज नहीं मिलेगा, आज का रिकॉर्डिंग एक महीने के बाद मिलेगा, ओके तो लोगों को लगता है कि इसमें पैसा नहीं लग रहा है तो हम लोगों को क्लास में क्यों आना है, जी आपका पैसा नहीं लग रहा है पर किसी ना किसी का तो लग रहा है, किसका लग रहा है, नामनिष्ठ प्रभु जी का पैसा लग रहा है, ये जो जूम का अकाउंट है वो तो मेंटेन कर रहे है ना, तो हम सबको पूछ रहे हैं पैसे दो दान दो ये दो, नहीं है ना, तो ये मंदिर का रिसोर्स है, मंदिर का पैसा लग रहा है ना, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप अपना जो पूरा हफ्ता है आप ऐसे प्लान कर सकते हैं ताकि कोई भी एक सेशन, आपको पता है कि सैटरडे को ये सेशन होता है फिर संडे को होता है, आप कोई भी एक सेशन को आप चूज कर सकते हैं
यू कैन प्लान योर वीक इन सच अ वे कि आपका ये कोई भी सेशन मिस ना हो. मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगी इस सेशन में आने के लिए कि आपको पैसे भरने हैं पैसे नहीं भरने हैं. नहा के आना है जरूरी नहीं है, ब्रश करना है वो भी जरूरी नहीं है. खाते खाते लेटे लेटे जो भी आप कर रहे हैं आप कर सकते हैं, है ना. लेट कमिंग अलाउड है, अलाउड है. अगर आप 15 मिनट 20 मिनट ही हम लोग सुन सकते तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है. तो अपने हफ्ते में आप ही डिसाइड कीजिए कि कितना टाइम आप दे सकते हैं श्रवण करने के लिए. उस दिन की रिकॉर्डिंग उस दिन नहीं मिलेगी. मैं चाहती हूँ कि वीकेंड पे आप लोग आए श्रवण कीजिए, ठीक है. मंडे टू फ्राइडे वैसे ही टाइम नहीं होता है, कम से कम वीकेंड में यू हैव टू कम. मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, आपको आना है. अगर आपका मिस हो गया रिविजन करना है, एक महीने के बाद आपको मिलेगा, ओके. एक महीने के बाद आपको मिलेगा. जिसका भी मिस हो गया तो हम सब मिलके उसको नेक्स्ट क्लास में चिढ़ाएंगे कि लास्ट क्लास तो बहुत अच्छा था, हमने तो बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत आनंद आया. हम लोग ऐसे करके आपको फिर चिढ़ाएंगे, ओके. तो मजाक कर रही हूँ, हम लोग नहीं चिढ़ाएंगे. अगर आपका क्लास मिस हो गया तो यस, हम आपका रिविजन करवा देंगे. पर जो एक दो घंटे में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो 5 मिनट के अंदर छोटा सा आपको रिविजन करवा देंगे. तो यस, पूरा आनंद लेना है भक्तों के साथ मिलके, हमें साथ में पढ़ना है. तो यू हैव टू कम टू द क्लास, ओके. कोई और मतलब ये नहीं है. देखिए भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान प्रसाद देने के लिए, भगवान कृपा देने के लिए रेडी है. आपको हाथ आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि भगवान मेरे मुंह में प्रसाद आके डाले. नो नो, आपको हाथ जो है आगे बढ़ाना है. तो यस, आज का जो सेशन है इट विल बी, इट हैज गॉट रिकॉर्डेड. मुझे याद रहेगा टू पोस्ट इट आफ्टर 1 मंथ. तो जिसका भी सेशन मिस हुआ है, एक महीने के बाद आप उसको देख सकते हैं, ओके. बट प्लीज कम टू द क्लास, कम टू द क्लास. मैं चाहती हूँ कि वीकेंड पे आप समय दे श्रवण करने के लिए. मेन उद्देश्य जो है यही है, ठीक है. आपका इसमें ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, ट्रैवल करके जाना है नहीं, तैयार होना है नहीं, नहाना है नहीं, आपका तो कितना टाइम बच रहा है ना. तो आप तो बस, आपको बस लॉग इन करना है, कैमरा बंद रखना है. यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते. तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट सीरियस, ओके. तो सबका बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग भगवद्गीता का हम लोग श्लोक करेंगे. जी, तो अशोक पात्र प्रभु जी बोल रहे कि वी आर मिसिंग सैटरडे क्लास बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस. माई सिस्टर इन लॉ इज टीजिंग अस बिकॉज वी कान अटेंड. आपकी सिस्टर इन लॉ कौन है? रश्मिता, रश्मिता माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Yes. जी, रश्मिता माता जी है आपकी सिस्टर इन लॉ. ओके जी जी, कल मैंने उनको देखा था क्लास में. यस yes. तो मैं सोच रही थी यही पात्र फैमिली से कौन है जो अभी इस टाइम पे जगा है इंडिया से. वेरी नाइस. तो उसका हमको रिकॉर्डिंग मिल जाता तो अच्छा होता था सैटरडे का. हाँ जी, ये कल ही एक्चुअली डिसाइड हुआ है. तो मैं पहले नहीं चाहती थी कि रिकॉर्ड में करूँ, पर ठीक है क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है तो आई विल प्रोवाइड दी रिकॉर्डिंग. बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग क्लास में भी आए, है ना. तो इसीलिए आई विल गिव इट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 29 डेज, ठीक है. 29 डेज के बाद आपको मिलेगा. यस. तो जी, 7 मिनट्स वाला हरे कृष्णा का वीडियो, ओके. ओके माता जी, मैं देखती हूँ. कविता माता जी ने बोला है यस. जी, जयमाला माता जी ने बोला कि संडे का जो दिन है उसका शुभ आरंभ हुआ है कृष्ण भक्ति के साथ. ये सैटरडे और संडे का क्लास अलग अलग है, ठीक है. दोनों अलग अलग बैच है. तो संडे वाले बैच के लिए नेक्स्ट वीक हम लोग 3rd अध्याय का ही श्लोक करेंगे, ओके. और हमारे सैटरडे वाले बैच में हम लोग 6th चैप्टर तक पहुंच गए हैं. तो दोनों अलग अलग है, पर ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट सेशन है. अगर आप फ्री है दोनों में आ सकते हैं. कम से कम एक सेशन में आपको आना है, ओके. तो धन्यवाद सबका कि आपने पार्टिसिपेट किया. तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे या संडे. एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस बार शायद रजिस्ट्रेशन इतने अच्छे नहीं हैं जितने लास्ट टाइम थे. तो लास्ट टाइम मे बी न्यू ईयर के कारण बहुत लोगों ने रजिस्टर किया, इस बार इतने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है. तो प्रभु जी ने मुझे नहीं भूला है इस बार लेने के लिए. जनरली जब ज़्यादा लोग होते तो प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि ज़्यादा है तो आप भी प्लीज़ आप एक सेशन लीजिए. तो इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत कम है. तो मे बी लॉकडाउन सब कुछ अभी खुल गया है, एवरीथिंग नॉर्मल हो गया है, तो लोगों के पास शायद टाइम नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. तो मैं नहीं ले रही हूँ 18 डे का जो कोर्स है, मैं नहीं ले रही हूँ. प्रभु जी की जो मदर है बिमला माता जी, वही लेंगी 6 o'clock मॉर्निंग, तो माता जी लेंगी, ओके. तो सबका बहुत धन्यवाद कि यू पार्टिसिपेटेड. तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे. यस, भगवद्गीता के, भगवद्गीता के श्लोक को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ओके. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.